हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने उष्मागतिकी का शून्य नियम प्रथम नियम पढ़ लिया। अब हम अध्ययन करेंगे उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कई लोगों ने कथन दिए, इनमें से दो इम्पोर्टेंट कथन या जो स्टेटमेंट है वह है केल्विन और प्लैंक के द्वारा दिया गया कथन और स्टेटमेंट, और क्लासियस के द्वारा दिया गया कथन। केल्विन और प्लैंक का जो कथन है वह एक ऊष्मा इंजन पर आधारित है। ऊष्मा इंजन में हमने पढ़ा है कि ऊष्मा इंजन उच्च ताप के स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा के कुछ भाग को कार्य में परिवर्तित करता है और शेष बची हुई ऊष्मा निम्न ताप के स्रोत को हस्तांतरित कर देता है। तो प्लैंक और केल्विन के अनुसार एक ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं जो उच्च ताप के स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, अर्थात ऐसा इंजन जिसमें केवल एक ऊष्मा स्रोत की आवश्यकता होती है, स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जाए, ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं। क्लासियस का कथन दूसरा इंपॉर्टेंट कथन है। यह कथन रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर में हमने पढ़ा कि निम्न ताप के स्रोत से Q2 ऊष्मा ग्रहण कर बाह्य एजेंसी के द्वारा इस पर W कार्य किया जाए तो यह Q1 ऊष्मा उच्च ताप के स्रोत को हस्तांतरित कर देता है। तो केल्विन का जो कथन है, केल्विन का जो स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए ऐसी युक्ति बनाना संभव नहीं जो बिना बाह्य क्रमक एक्सटर्नल एजेंसी के या कार्य किए स्वतः ऊर्जा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर हस्तांतरित कर दे, अर्थात ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना संभव नहीं जिस पर कार्य नहीं किया जाए और यह निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण करे और उच्च ताप पर हस्तांतरित, अर्थात ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाह संभव नहीं। तो ये तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है केल्विन और प्लैंक के और क्लासियस के, एक ऊष्मा स्रोत के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा उत्क्रमणीय इंजन के विपरीत प्रक्रम जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऊष्मा गतिकी के दोनों कथन, प्लैंक और केल्विन का कथन और क्लासियस का कथन सिमिलर है, एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के समतुल्य है, यह सिद्ध करना है। तो कि ऊष्मा गतिकी के दोनों नियमों के कथन, प्लैंक और क्लासियस प्लैंक और केल्विन का कथन और क्लासियस का कथन एक दूसरे के समतुल्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यह सिद्ध करना है। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं केल्विन व प्लैंक का कथन। मान लिया हमने यह परिकल्पना की कि इसका कथन असत्य है, अर्थात एक ऐसा इंजन बनाना संभव है जो उच्च ताप के स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक इंजन की कल्पना की जो स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और इस संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। उच्च ताप के स्रोत व सिंक के मध्य एक अन्य ऊष्मागतिक उत्क्रमणीय सोर्स लिया जो विपरीत क्रम में कार्य करता है और एक रेफ्रिजरेटर की भांति व्यवहार करता है। यह निम्न ताप के स्रोत से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है। प्रथम इंजन द्वारा किया गया कार्य इसके साथ यूज कर लिया जाता है और यह
उच्च ताप के स्रोत को Q2 प्लस W, Q2 ऊष्मा जो ग्रहण की, W कार्य जो इस पर किया गया, उसका कुल मान Q2 प्लस W उच्च ताप के स्रोत को हस्तांतरित कर दी जाती है और W का मान Q1 के तुल्य है। प्रथम भाग से हम देख सकते हैं Q1 इक्वल टू W है, अर्थात Q1 प्लस Q2 ऊष्मा उच्च ताप के स्रोत को रूपांतरित कर दी जाती है। यह संयुक्त युक्ति जो है जिस पर बाहर से कोई कार्य नहीं किया जाता, एक्सटर्नल वर्क जो है वह जीरो है, और यह निम्न ताप के स्रोत T2 से ग्रहण ऊष्मा कितनी है Q2, उच्च ताप T1 को दी गई ऊष्मा कितनी है Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और Q1 प्लस Q2 दे रहा है, Q1 प्लस Q2 दी जा रही है, माइनस Q1 जो ग्रहण की जा रही है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q2। अर्थात यह संयुक्त युक्ति जिस पर कोई कार्य नहीं हो रहा, यह निम्न ताप के स्रोत से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और बिना कार्य किए Q2 ऊष्मा उच्च ताप के स्रोत को हस्तांतरित कर दी जाती है, अर्थात ऊष्मा का स्वतः प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर हो रहा है। यह क्लॉसियस के कथन का विपरीत है, अर्थात इसके अनुसार क्लॉसियस कथन भी सत्य नहीं है। यानी केल्विन और प्लैंक का कथन अगर सत्य है तो क्लॉसियस का कथन भी क्या होगा, असत्य होगा, अर्थात यह इसके पूरक होगा, इसके समतुल्य होगा। अब दूसरा पार्ट हम और देखते हैं, अगर हमारा क्लॉसियस का कथन असत्य है तो क्या प्लैंक और केल्विन का कथन भी असत्य होगा, यह ज्ञात करेंगे हम। क्लॉसियस, मान लिया क्लॉसियस का कथन असत्य है, अर्थात एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना संभव है जो निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण किए करे और बिना बाह्य कार्य के, बाह्य एक्सटर्नल एजेंसी के कार्य किए बिना ही यह उच्च ताप को ऊष्मा हस्तांतरित करके, उसके साथ हमने एक स्रोत को और ऐड कर दिया, एक ऊष्मागतिक स्रोत हमने लिया जो उच्च ताप से Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, W कार्य किया जाता है और शेष बची हुई ऊष्मा Q2 जो है वह सिंक को हस्तांतरित कर देता है। यहां पर हमने यह माना क्लॉसियस का कथन असत्य है और एक ऐसा इंजन बना दिया, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बना दिया जो निम्न ताप पर ऊष्मा को ग्रहण करता है और उच्च ताप की ओर प्रवाहित करता है बिना किसी कार्य। इसके साथ हमने एक उत्क्रमणीय इंजन को ऐड कर दिया जो स्रोत से Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, W कार्य करता है और बची हुई ऊष्मा यहां पर W इक्वल टू Q1, बची हुई ऊष्मा को सिंक को हस्तांतरित कर देता है। कंबाइंड रूप से यह युक्ति जो है, संयुक्त युक्ति जो है, वह स्रोत T1 से कितनी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, Q1 प्लस Q2 ग्रहण की गई ऊष्मा माइनस Q2 दे रहा है, तो कुल Q1 ऊष्मा इसने ग्रहण की, T2 ताप पर दी गई ऊष्मा, निम्न ताप T2 पर कितनी ऊष्मा देता है, Q2 ऊष्मा दी जा रही है और Q2 ऊष्मा ली जा रही है, अर्थात जीरो ऊष्मा सिंक को दी जा रही है। किया गया कार्य Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ले रहा है, माइनस Q2 दे रहा है, यानी Q1 ये W दे रहा है, कार्य कितना कर रहा है W Q1 के लिए, अर्थात कंबाइंड रूप में यह युक्ति जो है
स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और उस संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है, और यह जो कथन है, यह जो तथ्य है, वो केल्विन और प्लैंक के कथन के विपरीत है। यह केल्विन व प्लैंक के कथन के विपरीत है। अर्थात हमने स्टार्ट किया था क्लासियस का कथन के विपरीत, या क्लासियस का कथन यदि असत्य है तो केल्विन और प्लैंक का कथन भी असत्य होगा। अर्थात यहां हमने देखा, अगर केल्विन और प्लैंक का कथन असत्य है, अर्थात ऐसा इंजन जो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सकता है, यह कथन अगर असत्य है तो क्लासियस का कथन भी असत्य होगा। और इसके विपरीत, अगर क्लासियस का कथन असत्य है, अर्थात निम्न ताप से स्वतः ऊष्मा बिना किसी कार्य किए उच्च ताप की ओर प्रवाहित हो सकती है, तो केल्विन का कथन भी असत्य सिद्ध होता है। अर्थात ये दोनों कथन एक दूसरे के पूरक हैं। ऊष्मा गतिकी के यह दोनों कथन जो हैं, वह एक दूसरे के समतुल्य हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक की असफलता या एक की असत्यता दूसरे की असत्यता पर निर्भर करता है। तो यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। Thank you. Thank you.